अपनी इमेजेस से ऐसी शॉर्ट वीडियो कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बिंग इमेज क्रिएटर से कोई सा भी कॉन्सेप्ट जनरेट कर लें। मैं ये वाला प्रॉम्प्ट देता हूँ, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सम गोल्डन रिंग्स ऑफ फायर। आप इस तरह की कोई भी अपने जहन से चीज लेकर इमेज बना सकते हैं। ये देखें, ये सब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एक दिन में आप फ्री में मैक्सिमम 60 इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हैं। और ये कुछ इमेजेस मैंने पहले भी जनरेट कर रखी थी। आप भी इसी तरह कोशिश करके एरर्स से सीख कर अपनी मर्जी की इमेज या इमेजेस चूज़ कर लें। चलिए ये वाली पिक्चर चूज़ करते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करके इसको सेव कर लें। अब इसको वीडियो बनाने के लिए दो वेबसाइट्स यूज़ हो सकती हैं। पहली का नाम है पीका, तो ये वाला URL ओपन करें, pika.art। साइन इन कर लें गूगल से या अपने किसी भी ईमेल से। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब एक्सप्लोर सेक्शन में आप इंस्पिरेशन के लिए लोगों के आइडियाज़ दे सकते हैं, लोगों ने क्या क्या वीडियोस इस वेबसाइट के ज़रिए जनरेट की हैं। पीका के ज़रिए आप वीडियोस को प्रॉम्प्ट देकर बिल्कुल ज़ीरो से भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने बिंग से इमेज जनरेट की। लेकिन हम अपनी एग्जिस्टिंग इमेज को वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे इमेज और वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, अपनी इमेज सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर करें जो कि आप वीडियो में चेंजेस देखना चाहते हैं। मैं बैकग्राउंड में रिंग्स जो हैं उनको मूव करना चाहता हूं, तो मैं ये वाला प्रॉम्प्ट एंटर करता हूं। इन AI साइट्स में जो लोग होते हैं उनके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे नहीं आते, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं कि करेक्टर पर एक्सप्रेशन कोई ना हो। ये दो लाइंस हैं, इन पर क्लिक करें। नेगेटिव प्रॉम्प्ट में वो चीज़ ऐड करें जो कि आपको रिजल्ट में नहीं चाहिए, जैसे कि स्माइल्स, एक्सप्रेशंस, फेशियल मूवमेंट्स। ये आप अपनी इमेज के हिसाब से एंटर कर सकते हैं। स्टार पर क्लिक करें। यहाँ लाइब्रेरी सेक्शन में आपकी सारी जनरेशंस आ जाएंगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखें, फायर और रिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूव हो रही हैं, बट हमारे सब्जेक्ट की आईज़ में ये कोई अजीब सा इफेक्ट आ गया है। कोई बात नहीं, हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट में थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आईज मूवमेंट भी ऐड करके चेक करते हैं। जब तक ये जनरेट होती है, तो मैं आपको बताता चलूं कि पीका के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे कि वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ाना, रेजोल्यूशन इंक्रीज करना, या फिर अनलिमिटेड दफ़ा वीडियोज़ जनरेट करना। ये आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलती, लेकिन आप इसका पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला जो रिज़ल्ट आया है, इसमें आइज तो फिक्स हो गई हैं, लेकिन लिप्स में थोड़ी मूवमेंट आ गई है। चलें उसको भी ठीक कर लेते हैं। परफेक्ट, ये वाला रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया है। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। अब दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है रनवे। रनवे की वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन कर लें। ये एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप इमेजेस और वीडियोस को जनरेट भी कर सकते हैं और AI के ज़रिए उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सेंटर में लिखे हुए इस बॉक्स पर क्लिक करें, स्टार्ट विद इमेज। फिर यहां से इमेज सेलेक्ट कर लें। इमेज प्लस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके अपना प्रॉम्प्ट टाइप करें। यहाँ पर भी वही प्रॉम्प्ट डालते हैं जो पीका में डाला था। आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा टूल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि ये मोशन स्ट्रेंथ। इस स्लाइडर से आप वीडियो के अंदर मोशन कितना हो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कैमरा मोशन एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पैन, रोटेट, जूम वगैरह।
और मोशन ब्रश से आप वो स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको मूवमेंट्स चाहिए। इस रिजल्ट को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। मोशन ब्रश को रिमूव करके चेक करते हैं। ये देखें, थोड़ी माइनर आई मूवमेंट आई है लेकिन अननेचुरल नहीं लग रहे। डाउनलोड कर लें। रनवे में आपके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट्स होते हैं जिससे आप थोड़ी ज़्यादा जनरेशंस कर सकते हैं। अगर आप अपने फेस के साथ ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो सिंपली रनवे या पीका यूज़ करने से पहले फेस स्वैप कर लें। उसके दोनों ईजी मेथड्स मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। मैं यहाँ पर इनसाइड फेस स्वैप बॉट को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। /swap ID, आईडी नेम दें और फिर अपनी इमेज सेलेक्ट कर लें। बहुत से लोगों को यहाँ पर एरर मिल रहा है /save ID करते वक्त, तो उसके लिए आप इसी सर्वर में Midjourney बॉट को भी इनवाइट कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सी, इजी एंड सिंपल। एक एक्स्ट्रा टिप है इमेजेस को एक्सटेंड यानी उनका एस्पेक्ट रेशो चेंज करने के लिए। रनवे के होम पेज पर जाएं, इमेजेस में एडिट इमेज पर क्लिक करें और यहां से एक्सपैंड इमेज में अपनी इमेज सेलेक्ट कर लें। एस्पेक्ट रेशो को चूज़ करें, मैं 16:9 यानी वाइड स्क्रीन चूज़ कर रहा हूं। स्केल में 1x सेलेक्ट कर लें। ये लीजिए, ज़बरदस्त वाइड स्क्रीन लैंडस्केप इमेज आपकी जनरेट हो गई है। अब टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी तक है कि आप इनको किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। हैव फन एंड पीस।